हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बनाने जा रहा हूँ ये पोर्क इंटेस्टाइन। तो मैंने ये लिया है 1 kg पोर्क इंटेस्टाइन, और ये हुआ आपका इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है ये स्प्रिंग ऑनियन, ये पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक जिंजर पेस्ट, और ये हुआ आपका ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर लीव्स, एंड ये हुआ आपका ऑनियन। तो शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे ऑनियन, अभी डालेंगे ग्रीन चिल्ली, अभी डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, अभी डालेंगे इंटेस्टाइन, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच चिल्ली पाउडर, अभी डालेंगे नमक, इसको अभी लो फ्लेम में 3 मिनट तक कुक करेंगे। मीट अच्छा से फ्राई हो चुका है तो अभी मैं इसमें डालूंगे आलू और टोमेटो। आलू और टोमेटो, मैं टोमेटो को बराबर डाल रहा हूँ, बाद में जब वो सॉफ्ट होगा उसको निकाल के मैं स्मैश करूँगा। अभी इसमें पानी डालेंगे, अभी मेरा करी बॉईल हो रहा है तो मैं अभी टोमेटो को स्मैश करेंगे। टोमेटो टोमेटो भी गल चुका है तो हम इसको स्मैश करेंगे। टोमेटो स्किन को निकालेंगे, टोमेटो स्मैश हो चुका है तो उसको फिर से डालेंगे खाली में। खाली बॉईल हो रहा है इसमें अभी डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन गाइस, अभी मेरा खाली ऑलमोस्ट कुक हो चुका है।
गाइस अभी मेरा खाली खूब हो चुका है, इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। तो अभी सर्व करने के लिए रेडी है, इसको सर्व करेंगे अभी।